आप सभी का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जहां बीजेपी की बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। इन सब के बीच जयपुर सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट पर अपना पत्ता खोलते हुए यहां से ब्राह्मण चेहरा यानी सुनील शर्मा को मैदान में उतार दिया। ऐसे में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि कांग्रेस के दांव के बाद बीजेपी यहां अपना सियासी गणित क्या बदल सकती है, जिसके बाद हैट्रिक की उम्मीद लगाए बैठे मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में राजधानी जयपुर की लोकसभा सीट सबसे हॉट मानी जाती है। कहने को तो ये लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन पिछले 40 सालों में हुए 10 चुनाव में कांग्रेस 2 बार भाजपा को जयपुर शहर सीट पर पटकनी दे चुकी है, तो वहीं इस बार भी जयपुर शहर सीट पर मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। लगातार मंथन और माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने जयपुर शहर पर अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। इस बार जयपुर सीट पर कांग्रेस ने जातीय समीकरण बिठाते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला है और ब्राह्मण चेहरा आगे करते हुए सुनील शर्मा को चुनावी रण में उतारा है। हालांकि बीजेपी ने भी अभी तक जयपुर सीट पर अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन कांग्रेस के ब्राह्मण दाव के बाद इस सीट पर हैट्रिक की उम्मीद लगाए बैठे रामचरण बोहरा की मुश्किल जरूर बढ़ गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के ब्राह्मण होने से इस सीट का समीकरण बदल गया है। ऐसे में बीजेपी ब्राह्मण फेस के सामने वैश्य उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस सीट पर भी हिंदुत्व का कार्ड खेल सकती है और अपना जातीय समीकरण बनाए रखने के लिए ब्राह्मण बनाम वैश्य का दाव चल सकती है। अगर ऐसा होता है और बीजेपी अपनी नई परंपरा के मुताबिक इस सीट पर कोई चौंकाने वाला फैसला करती है, तो जाहिर है कि कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशी सुनील शर्मा के चलते रामचरण बोहरा की राह मुश्किल हो सकती है। हालांकि बोहरा का टिकट कटने की आशंका के बीच बीजेपी में कई दावेदार अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। जयपुर सीट पर रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी, मनन चतुर्वेदी, मंजू शर्मा, पूजा कपिल, शैलेंद्र भार्गव, राघव शर्मा, सुनील तिवारी, सुनील कोठारी, महेश शर्मा और लक्ष्मीकांत भारद्वाज अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जयपुर सीट पर पिछले दोनों मुकाबलों में बोहरा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा के रामचरण बोहरा ने वर्ष 2014 में कांग्रेस के महेश जोशी और 2019 में ज्योति खंडेलवाल को हराकर जीत हासिल की थी। 2019 में कांग्रेस के बनिया फेस के रूप में ज्योति खंडेलवाल के सामने बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बोहरा को दोबारा मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार 2024 के मुकाबले में कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो जाहिर है कि बीजेपी इसके कार्ड के तौर पर वैश्य या किसी अन्य जाति पर दाव लगा सकती है। दसों पीढ़ियां जिस शहर के अंदर रही हो, उस शहर के लिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। जयपुर एक नए युग के अंदर प्रवेश करेगा और जयपुर को नए युग के प्रवेश करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली जयपुर शहर लोकसभा सीट पर 40 साल में कांग्रेस केवल 2 बार जीत पाई है, जबकि बीजेपी 8 बार जीत का सहरा बांध चुकी है। इस बार फिर बीजेपी हैट्रिक लगाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीट पर ब्राह्मण फेस उतारने के बाद शायद इस सीट का गणित बदल सकता है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और माना जा रहा है कि इस सीट को लेकर बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम सामने ला सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 बार बीजेपी को जीत का स्वाद चखाने वाले रामचरण बोहरा को बीजेपी फिर से रिपीट करती है या फिर कांग्रेस की गांठ के लिए नए चेहरे पर दाव लगाती है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।